अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेड बग यानी कि खटमल को किस तरह से 100% कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आपको जो प्रोडक्ट नज़र आ रहा है ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। तो मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे क्योंकि हमारे अर्बन एरियाज़ में बेड बग का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप हमें बेड बग के बारे में बताएं, क्योंकि लोग तरह तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं, होम रेमेडीज़ होती हैं, इसके अलावा घरेलू टोटके वगैरह जिस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उनको 100% रिज़ल्ट नहीं मिलता और जो है एक दो दिन के बाद फिर वही इन्फेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है बेड बग की। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँ कि आपके घर में 100% बेड बग कंट्रोल हो जाए। तो ये जो आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा है इसका नाम एल्युमिनियम फॉस्फाइड है और इसमें एल्युमिनियम फॉस्फाइड की जो कंसंट्रेशन है वो 56% होती है, ये आपको नज़र भी आ रही है। इसके अलावा बाकी अदर इंग्रेडिएंट मिला के टोटल 100% बन जाता है। दोस्तों, एल्युमिनियम फॉस्फाइड की टैबलेट्स होती हैं, 3 ग्राम की एक टैबलेट होती है और इसमें 1 ग्राम जो है वो एल्युमिनियम फॉस्फाइड होता है और 2% ऐश होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है ताकि आपको 100% रिज़ल्ट भी मिल जाए और इसका कोई हेल्थ हैज़र्ड के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो भी ना हो। तो दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि आपने एक रूम को रूम की फ्यूमिगेशन करनी है। तो रूम की फ्यूमिगेशन करने से पहले आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि उस रूम वो रूम जो है एयर टाइट हो। एयर टाइट मतलब अगर उसकी कोई विंडोज़ वगैरह हैं तो आपने उसको कम्प्लीटली बंद कर देना है। और कम्प्लीटली बंद करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो होती है पॉलीथीन शीट। पॉलीथीन शीट आप लगा के उसकी टेपिंग कर दें और उसको कम्प्लीटली बंद कर दें। इसके अलावा कोई और होल या क्रैक्स वगैरह हैं अगर दीवारों में तो उनको भी आप बंद कर दें। दोस्तों, इसके अलावा आपकी जो अंदर अलमारियाँ वगैरह हैं या ब्लैंकेट, तो उनको आप खोल के उस रूम के अंदर रख दें जिनके अंदर आपको शक है कि इसके अंदर बेड बग की इन्फेस्टेशन है। और इसके अलावा अगर आपके रूम में कोई लैपटॉप, टीवी या इस तरह की चीज़ें हैं तो आप उनको रैप कर दें, क्योंकि जब ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो एलईडी वगैरह इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो सही नहीं होते। तो आपने इन चीज़ों को कवर्ड कर देना है, जैसे कि एलईडी हो गया, लैपटॉप और कोई इस तरह की मशीन है तो उसको आपने रैप कर देना है। और बाकी जो कपड़े, ब्लैंकेट, इस तरह की चीज़ें आपने सारी वो खोल के रख देनी है, ठीक है। विंडो वगैरह आपने इसकी कम्प्लीटली बंद कर देनी है। बंद करने के बाद आपके पास टैबलेट रखने के बाद 10 से 20 सेकंड का टाइम होता है कि आपने टैबलेट रखी और फौरन आप दरवाज़े से बाहर निकले और आपने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि आपने 50 टैबलेट्स रखनी है कमरे के अंदर, तो आपने उन 50 टैबलेट्स को 4 हिस्सों में तकसीम कर देना है। और अगर आपके पास कोई डिस्पोजिबल जैसे डिस्पोजिबल प्लेट्स होती हैं तो आपने वो भी यूज़ कर सकते हैं। उन डिस्पोजिबल प्लेट्स के ऊपर 50 टैबलेट्स को रख दें, जैसे कि 15-15 या 10-10 के रेशो के हिसाब से आपने उसके 4 हिस्से कर देने। आप 5 भी कर सकते हैं। 4 हिस्सों का मतलब ये है कि आपकी जो कंसंट्रेशन, उसकी जो फ्यूमिगेशन है वो 100% होगी और पूरे कमरे के अंदर होगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस 50 टैबलेट को एक जगह भी रख सकते हैं, 50 टैबलेट्स को आप 3 से 4 जगह भी रख सकते हैं। तो लेकिन आपने इस काम को जल्दी से करना होता है, आपके पास 5 से 10 सेकेंड का टाइम है कि आपने जल्दी जल्दी उन जगह उस टैबलेट्स को रख के फ़ौरन बाहर निकलना होता है। बाहर निकलने के बाद आपने दरवाजे के बाहर भी इस तरह की पॉलीथीन शीट लगा के आप उसको टेपिंग कर दें, या अगर डोर जो है आपका प्रॉपर क्लोज होता है तो उसकी साइडों पे आप टेपिंग कर दें, दरवाजे को भी बंद कर दें। दरवाजे को बंद करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट तक वेट करना है वहीं पर कि आया कहीं से जो हमारी गैस है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड कहीं से बाहर निकल तो नहीं रही। तो जब आपको तसल्ली हो जाए कि वो नहीं निकल रही तो आप उसके बाद उस जगह को छोड़ देंगे और उस जगह को आपने कम से कम 30 से 40 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो कुछ लोग को जल्दी होती है तो वो 24 आवर्स से नीचे नहीं, क्योंकि अगर आप जल्दी रूम को ओपन कर देंगे तो वो जो आपकी फ्यूमिगेशन जो है वो 100% नहीं होगी और आपके जो रिज़ल्ट है आपको 100% नहीं मिलेगा। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि कम से कम 24 आवर्स के लिए आपने उसको छोड़ देना है। जब आप 24 आवर्स के बाद वापस आएंगे तो आपने हल्का सा डोर खोलना है, लेकिन याद रहे कि आपके मुंह पे मास्क लगा हो, हाथों पे ग्लव्स हो और हल्का सा आपने डोर खोल के छोड़ देना है और उसके बाद फिर आपने बाहर निकल जाना है।
तो तकरीबन 1 से 2 घंटे तक रूम खुला रहेगा, जो भी गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी। उसके बाद आपने फिर थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद आपने रूम को थोड़ा ज़्यादा खोलना है, फिर आप अंदर नहीं आना अभी अंदर। तो आपने ये काम 3 दफ़ा करना है, और जब 3rd टाइम आप आएंगे तो आपने पूरा डोर खोल देना है, लेकिन उस वक्त भी आपने अंदर नहीं आना। जैसे ही पूरी गैस निकल जाएगी तो आपने रूम में एंटर होने के बाद जो भी इसका ऐश होगा, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो मिक्सचर बचता है वो ऐश होता है, राख की तरह बन जाता है। तो वो आपने किसी भी बैग या शॉपर वगैरह में उसको एक साथ जमा करके घर से दूर जाके उसको डंप कर देना है। आपने उसको पानी में नहीं बहाना, क्योंकि अगर पानी में आपने बहाया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये पानी के साथ रिएक्ट होकर काफ़ी कुछ ख़राब कर सकता है। तो आपने इसका पानी के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होने देना। आपने उस पूरे ऐश को उठा के किसी थैली में या शॉपर में बांध के आपने दूर जाके उसको डंप कर देना है, ठीक है। तो इस तरह करके अगर आप इस तरह ये तरीका फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और बेड बग के साथ साथ कॉकरोचेस, लेजर, छुपकलियाँ और इसके अलावा जितने भी आपके इंसेक्ट पेस्ट होंगे रूम के अंदर, वो सारे किल हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जैसे बेड या ब्लैंकेट या कुशन वगैरह में समटाइम खटमल आ जाते हैं, वो पूरा कमरा नहीं कर सकते, या उनका जो घर है वो इस तरह होता है कि वो पूरा एयर टाइट नहीं होता। तो उनके लिए भी एक मेरे पास आइडिया है, वो ये कि आप इस तरह के पॉलीथीन बैग ले लें, बड़े वाले बैग, उसके अंदर सारा जितना भी आपके ये जो मटेरियल होगा जिनको पर आपको डाउट है कि इसके अंदर इन्फेस्टेशन है, तो उनको इस तरह के पॉलीथीन बैग के अंदर डाल के उसके साथ आप टैबलेट भी डाल दें, और उसके बाद इसको बंद कर दें किसी अच्छी चीज़ के साथ। तो टाइम आपने इतना बंद रखना है, और उतने टाइम के बाद फिर आप जो है जब इसका पूरा ड्यूरेशन हो जाए 24 आवर्स, उसके बाद आपने इसको खोल देना है, और खोलने के बाद वो ऐश आप वैसे डंप कर दें, और अपने जो ब्लैंकेट हैं या क्लॉथ हैं उनको बाहर जाके झाड़ लें। तो आपको इस तरह भी 100% रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों अब डोजेज की बात करते हैं कि कितनी डोज होनी चाहिए। तो जैसे रूम है तो रूम का जो एरिया है हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं। तो आपका रूम किसी भी साइज़ का हो, आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि पर क्यूबिक मीटर आपने 2 टैबलेट यूज़ करनी है। मतलब 1 क्यूबिक मीटर तो 2 टैबलेट, अगर 2 क्यूबिक मीटर होगा आपका एरिया तो उसके लिए आपने 4 टैबलेट यूज़ करनी है। तो क्यूबिक मीटर का आसान सा फार्मूला होता है लेंथ, हाइट और विड्थ। तो इन चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा, उसी रिज़ल्ट को आप फॉलो करते हुए आपने टैबलेट यूज़ करनी है। तो इसके अलावा बाकी चीज़ों में भी आप कर सकते हैं, जैसा कि साइलोज वगैरह होते हैं, तो उसकी जो डिटेल है वो सारी मैं अपनी पहली वीडियो में दे चुका हूँ। तो ये जस्ट बेड बग से रिलेटेड थी, तो बेड बग को आपने इस तरह से कंट्रोल करना है। दोस्तों इसके अलावा अगर इस बॉटल की बात करें तो ये 1.5 kg में जो मेरे हाथ में है, ये 1.5 kg में है, 1.5 kg। इसके अलावा ये छोटी बॉटल भी मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि आपको ये पूरी बॉटल ले लेनी है। 100 टैबलेट की भी बॉटल्स आती हैं, छोटे छोटे टिन होते हैं। इसके अलावा 50 टैबलेट्स, इवन के 10 टैबलेट्स का भी आपको टिन मिल जाएगा बाहर से। लेकिन आपने इसको यूज़ करते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी डेंजरस होता है। तो आपने इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आपने इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल किया और प्रॉपर तरीके से किया तो ये आपको 100% रिज़ल्ट देगी। और जितने भी आप केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको कंट्रोल 100% नहीं देते। कोई भी केमिकल आज तक नहीं है जो आपको 100% रिज़ल्ट दे सिवाय एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के। तो इसके अलावा बेड बग्स या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।